दोस्तों, भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो आज भी रामायण और महाभारत काल से जुड़ी हुई कथाओं से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भी एक ऐसी ही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां महाबली भीम और राक्षसी हिंडम्बा का मिलन हुआ था। महासमुंद जिले शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसा माता का मंदिर, जिसे खल्लारी माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान को खलवाटिका के नाम से भी जाना जाता था। माँ खल्लारी के दर्शन करने के लिए भक्तों को लगभग 850 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो पहाड़ियों के ऊपर बसा है माता का मंदिर। इस देव स्थल में बड़ी खल्लारी माता के अलावा छोटी खल्लारी माता का मंदिर भी समाहित है। नवरात्र के दौरान यहाँ भव्य मेला लगता है। इस क्षेत्र के लोगों की मान्यता है कि माता खल्लारी उनकी रक्षक देवी ही है। मंगल सिंह यादव हाँ, के सालों के बजात तो ला बहुत साल फाल नहीं जाना भैया, बहुत साल का था। बढ़िया बजात है तो। दोस्तों, जैसे जैसे आप सीढ़ियों में ऊपर पहुंचते जाते हैं तो यहाँ बहुत सारी दुकानें, मंदिरें और प्रसाद और कहा जाए तो माता में चढ़ावा के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। साथ में यहाँ अभी कुछ दिनों में बहुत जल्द यहाँ कहा जाए तो उड़न खटोला का भी शुरुआत होने जा रहा है, तो भक्त और श्रद्धालु के लिए काफ़ी आसान बन जाएगी माता की यात्रा करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है 1985 में पहली बार यहाँ नवरात्र में जोत जलाई गई थी। यहाँ स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले घने जंगलों के बीच माँ खल्लारी पहाड़ियों में एक गुफा यानी कि खो में विराजमान थी, जिसमें देवी माता की उंगलियों का निशान अंकित हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में या कहें मंदिर के ऊपर, और यहाँ से थोड़ी देर में हम आपको दर्शन कराएंगे माँ खल्लारी माता का। यह है माता का भव्य मंदिर और इसका स्वरूप काफी शानदार है, जिसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। आसपास का वातावरण और कहा जाए तो व्यू काफी शानदार और मन को मोहित करने वाला लगता है। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं माँ खल्लारी माता का। तो चलिए दोस्तों, माता का दर्शन करने के पश्चात आपको एक खूबसूरत व्यू स्थल का या कहा जाए बहुत सारी यहाँ छोटी छोटी जगह हैं जो देखने लायक हैं, उन सभी जगहों को घुमाते हैं, जिनमें दंतेश्वरी माता का मंदिर है जो गुफा में निवास करती हैं। उसके अलावा आगे हम देखेंगे भीम पाँव और डोंगा पत्थर, और इन सभी के अलावा यहाँ से पूरे पहाड़ी से जो दृश्य है आसपास का वो काफ़ी शानदार होने वाला है। अच्छा दिखा था भाई, मस्त। कहाँ थे जगह का भीम कहा है नीचे में, जस्ट अभी जाओ। चौरागढ़ अंदर जा रहे डागर।
अबे सही से रे बे, नहीं झूठ नहीं बोला मैं, जो बोलता सही बोलता। देख ले भाई, भले नकली अलग बातें। माना जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर काफी दिनों तक निवास किया, जिसके साक्ष्य आज भी मिलते हैं। इस स्थान को भीम कोच खल्लारी के नाम से भी जाना जाता है। खल्लारी की पहाड़ियों में ऐसे कई निशान हैं जिनको महाबली भीम से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय मान्यताओं में चट्टानों पर बने बड़े निशानों को भीम की शक्ति या भीम पांव या भीम चूल्हा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखिए भीम पांव या क्या है भीम चूल्हा का खूबसूरत दृश्य। कक्का गड्ढा हुई था बोले झाकू टेम्पल सात हजार की झाकू। हाजी चूहा जब बाढ़ आई तब उतरना है। दोस्तों लास्ट में चली देखिए डोंगा पत्थर का खूबसूरत नजारा, जो आप देखते ही रह जाएंगे।